हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्ब्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ला लह ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله في القرآن يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة سبحانه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المجيد الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين سبحانه أيها مرة انتهائي خلوص ومحبة كسان मक्की सरदार मदीने के ताजदार सैयदी अबरार अखियार आमिने किलाल अब्दुल्लाह की नूरी नजर जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे अली जाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व आफियत अल-अब्दान व शफाइहा व अला आलिही व असहाबिही दाइमन अबदा। एक मरतबा और हुसूल खैर व बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन आदनिल जूद वल करम وعلى آله بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم معجز سامعین حضرات آپ حضرات کے سامنے بہت ہی مشہور و معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس کا سیدھا سادہ سلیس ترجمہ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد رکھو، بے شک اس سے آپ کی بھی اصلاح ہو جائے گی اور اس سے ہماری سب کی حاضری کرب و بلا میں ہو جائے گی اور اسی آیت سے آقا حسین کی بات بھی ہو جائے گی۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ زنجیر بولتی رہی تر بولتا رہا، زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا، اور لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا، اور آئے گئے نبی جو سر عرش بار بار، دیجئے سبحان اللہ، آئے گئے نبی جو سر عرش بار بار، آئے گئے نبی جو سر عرش بار بار، سدرہ پہ جبریل امی کا پر بولتا رہا، سدرہ پہ جبریل امی کا پر بولتا رہا، اور تھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، تھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا،
कर्बोबला के मैदान में एक मुखालिफ नहीं, कर्बोबला के मैदान में दो मुखालिफ नहीं, इमाम हुसैन के सामने तीन मुखालिफ नहीं, इमाम हुसैन के सामने चार मुखालिफ नहीं, इमाम हुसैन के सामने हजार मुखालिफ नहीं, इमाम हुसैन अगर 72 है, एक रिवायत के मुताबिक अगर 82 है, इमाम हुसैन की नुफूस कुदसिया जो है, आका हुसैन के चाहने वाले जो है, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों की जात की जो है जो तादाद है वो 72 है या 82 है, लेकिन इमाम हुसैन के मुखालिफ की तादाद जो है 22,000 है। कर्बोबला के मैदान में आका हुसैन 72 और उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं और बीमार भी हैं, औरतें भी हैं। कर्बोबला के मैदान में खवातीन भी हाजिर हैं, कर्बोबला के मैदान में बच्चे भी हाजिर हैं, कर्बोबला के मैदान में अहले बैत अतहर की चमकते हुए फूल भी हाजिर हैं, कर्बोबला के मैदान में इमाम हुसैन के चाहने वाले भी हाजिर हैं, लेकिन 72 है या 82 है, इमाम हुसैन के मुकाबले में 72 नहीं, 82 नहीं, 1,000 नहीं, 2,000 नहीं, अगर यजीदी लश्कर की तादाद जो है आपको रिवायतों के मुताबिक मिलेगी, आपको अगर तारीख में मिलेगी तो 22,000 लश्कर यजीदी कर्बोबला के मैदान में हाजिर थे। और शायर कहता है थर्रा गए, थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, और नेजे पे जब हुसैन का सर बोलता रहा, अगर जो है आप चिराग लेकर अगर यजीद के नाम तलाश करोगे पूरी दुनिया में यजीद के नाम लेवा कोई नहीं मिलेगा, यजीद के नाम लेवा जो है धरती पर कोई पैदा ना होगा, ना तो कोई जो है नाम लेने वाला है, ना तो कोई नाम रखने वाला है, इस बात की खुली खुला दलील है, घर घर में जो है इमाम हुसैन का चाहने वाला मिलेगा, किसी का नाम गुलाम हुसैन है, किसी का नाम सद्दाम हुसैन है, किसी का नाम मोहम्मद हुसैन है, इस बात की दलील है। कर्बोबला के मैदान में अगर किसी की जीत हुई है तो कर्बोबला में आका हुसैन जीते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिक्रे शहीदे कर्बला, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हजरत आप देख रहे हैं यही कर्बोबला के का मैदान है, और आपके जो है आपके इस टाइटल का जो मौजूद है, आपके कॉन्फ्रेंस का जो मौजूद है वो ताजदारे कर्बोबला है। ताजदारे कर्बोबला कौन है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो है मैंने जो आयत पेश की है अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, या अय्युहल लजीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, ऐ ईमान वालो अगर आपको मदद चाहिए, ऐ ईमान वालो अगर आपको कामयाबी चाहिए, ऐ ईमान वालो अगर आपने आपको कामयाब होना है, अगर अल्लाह की बारगाह में कामयाब होना है, अगर आपको जन्नत में जाना है, अगर आपको जो है अगर आपको जन्नत के बागात से मिलना है, अगर आपको आप एक कौशल जैसा पानी पीना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, या अय्युहल लजीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, ऐ ईमान वालो नमाज और सब्र से मदद तलब करोगे आप कामयाब रहोगे, आप यहाँ भी कामयाब रहोगे मैदान महशर में भी कामयाब। या अय्युहल लजीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, ऐ ईमान वालो नमाज और सब्र से मदद तलब करो। हमने हदीसे करीमा पेश की है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब आली जन्ना, हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। आओ चलो जो है थोड़ी देर के लिए हम अपने मुआशरे पर नजर डालते हैं, हम अपनी जात पर नजर डालते हैं, आपको बताना चाहते हैं हमारा मुआशरा जो है किस तरफ जा रहा है। अगर अजान होती है तो होने दो, अगर जो है सलात हो रही है तो होने दो, अगर इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं तो नमाज पढ़ाने दो। आओ चलो कर्बोबला के मैदान में चलते हैं, आपके पास जो है हर टाइम खाने का व्यवस्था है, आपको हर टाइम पीने का व्यवस्था है, आप अच्छे फ्लैट में रहने वाले हो, आप अच्छे मकान में रहने वाले हो। आओ चलो कहीं और ना जा करके जो है ताजदारे कर्बोबला की बात करते हैं। ताजदारे कर्बोबला आप जब मैदान कर्बोबला में हाजिर है, अगर नमाज का वक्त हुआ है तो आपने नमाजें पढ़ी है, अगर जो है कुरान वक्त हुआ है, अगर कुरान पढ़ने की बात आई है आपने कुरान भी पढ़ी है, हमारे घर में कुरान मौजूद है और कुरान साल साल भर गुजर जाता है, आदमी को नौबत ना आती है कुरान पढ़ने की, आदमी को नौबत ना आती है नमाज पढ़ने की, हमने किताबों में पढ़ा है जब अजान होने लगती है तो शैतान अजान की आवाज सुनकर भागने लगता है और कई मील दूर भाग जाता है। आज हमारा माहौल यह है, शैतान तो कुछ पीछे है लेकिन हमारा नौजवान जो है, हमारे कौम का बुड्ढा जो है, हमारे कौम का नौजवान
अगर आजान होती है उसमें उसके हाथ में अगर जुआ है तो जुआ खेल रहा है, अगर उसके हाथ में शराब है तो शराब शराब जो है पीता जा रहा है, अगर वो जो है किसी डीजे के सामने है उसको नमाज की फिक्र नहीं लगी है। हजरत मैं बताना चाहता हूँ ताजदारे कर्बला में हम और आप हाजिर है, ताजदारे कॉन्फ्रेंस में, ताजदारे कर्बला कॉन्फ्रेंस में हमारी आपकी हाजिरी हुई है। मैं बताता चलूँ कर्बला के मैदान से अगर हमें सबक मिला है तो नमाज का सबक मिला है, अगर हमें सबक मिला है तो जो है सबर का सबक मिला है, अगर हमें सबक मिला है तो जो है अपने आप को बचाने का सबक मिला है, अगर जो है आप नेज़ों के साए में हो तब भी आप पे नमाज फर्ज है, अगर आप जो है अपने मकान में हो तब भी नमाज फर्ज है। आका हुसैन रज़ी अल्लाह तआला आपने कर्बला के मैदान में आपने ये कहा था, आई यजीदियों सुन लो, अभी तुम जो करना चाहते हो अभी तुम लोग टाइम देख लो कौन सा टाइम है और तुम करने क्या जा रहे हो। आका हुसैन ने कहा था आप बताते के ऐलान वाले कि मदरसा जहाँ है वहाँ गेट के सामने कुछ लोगों ने बाइक गाड़ी खड़ी कर दी है और सैयद साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं इसलिए रास्ता है नहीं दुश्वारी है, जिन जिन हजरात की गाड़ी है वहाँ बराह करम हो जाए और अपनी गाड़ियों को वहाँ से हटा करके किसी दूसरी जगह पर खड़ी कर दे। अगर हम ताजदारे कर्बला की बात करते हैं तो कर्बला के मैदान में कर्बला के मैदान से अगर हमें सबक मिला है तो नमाज का सबक मिला है, अगर हमें सबक मिला है तो सब्र का सबक मिला है, अगर हमें सब्र मिला है, अगर हमें सबक मिला है तो पर्दे का सबक मिला है, अगर हमें सबक मिला है तो हर मैदान में जो है आपका पैर साबित कदम हो कामयाबी आपकी कदम चूमेगी, तमाम जो है मनासिब आपके लिए आसान होते नजर आते हैं। आओ चलो जो है इसी पेश करता आयत के तहत बात करते हैं, या अय्युहल लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह, ए ईमान वालों नमाज और सब्र से मदद तलब करो, इसी में हमारी कामयाबी है, इसी में आपकी कामयाबी है। चलो जो है जनाबे फातिमा ज़हरा की बात करते हैं, कौन फातिमा जा रहा है, आका हुसैन की वालिदा है, कौन फातिमा जा रहा है, मेरे नबी की लाडली है, मेरे नबी की सबसे चहेती बेटी है, कौन फातिमा है, हते अली शेर खुदा, हते अली शेर खुदा की शरीक हयात है, आपकी बीवी है, आपने मुसल्ला भी शादी है, औरतों की भी सलाह चाहता हो उनके बारे में भी कुछ कहना चाहता हो। जनाबे फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपने मुसल्ला बिछा दिया है और मुसल्ला बिछाने के बाद जो है आप जो है नियत बांध लेती है अल्लाह की बारगाह में, आपने नियत बांध ली है और नियत बांधने के बाद क्या होता है किताबों के हवाले से ये पता चलता है, जनाबे फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का एक सजदा मुकम्मल नहीं हो पाता है, सुबह की सफेदी नमोदार हो जाया करती है। आज के हाल में जो है औरतों का क्या हाल है, अगर दिन निकल रहा है तो निकलने दो, अगर सूरज गुरु हो रहा है तो गुरु होने दो। हजरत जो है फातिमा की जो उस तरह से ये हमें सबक मिलता है, कर्बला के मैदान में जो लाल हाजिर है वो फातिमा का लाल है, कर्बला के मैदान में जो बेटा हाजिर है हज़रत अली शेर खुदा का है, कर्बला के मैदान से जो है जो हमें सबक मिला है जनाबे फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला ने अपने उस कारनामे से ये बता दिया है, ऐ लोगों ऐ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों सुन लो, नमाज का जब वक्त हो जाए सारे कारोबार को छोड़ दो, इसी में कामयाबी है। आजकल जो है तमाम मुसलमान अगर मुसीबत में घिरे हुए हैं, आपकी कमाई है, ये हमारी कमाई है, अगर हमारे कदम जो है पुराने हदीस से अगर फसल ना हो तो आज का ये दिन हमको देखने के लिए ना मिलता। हजरात जो आओ चलो देखो जनाबे फातिमा ज़हरा है, आपने मुसल्ला बिछा दिया और मुसल्ला बिछाने के बाद आप सजदा कर रही हैं और दो सजदा मुकम्मल नहीं हुआ, एक सजदा भी पूरा नहीं हुआ और सुबह की सुबूदी नमोदार हो जाती है। जनाबे फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप कहती है, ऐ परवरदिगार तूने कैसी छोटी छोटी रातें बनाती है कि तेरे नबी की बेटी का एक सजदा मुकम्मल नहीं हो पाया और तेरा सूरज तेरा सूरज जो है निकल आया है, परवरदिगार एक ऐसी जो है लंबी रात बना दे ताकि जिससे तेरे नबी की प्यारी बेटी दिल खोल के
सजदा कर ले। किसने सजदा किया है कर्बला के मैदान में? अगर किसी ने सजदा किया है तो आमिना का लाल है, मादे फातिमा ज़हरा का लाल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कर्बला के मैदान से जो हमें और आपको जो सबक मिला है, ये मिला है कि नमाज कामयाबी की पहली मंजिल है, और अगर साथ में सब्र है तो कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तादारे कर्बला कॉन्फ्रेंस से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, हर एक जो बाली है उस पर नमाज फर्ज है, और जब आदमी नमाज पढ़ने लगे कामयाबी उसकी उस चुनेगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल ज़म्बि व अतूबु इलैही व आखिरु दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।